Dear students, myself Asif Osim, an assistant teacher in the Malewa High School. In this lesson, we are going to understand what is the meaning of venation. So, give the side heading, that is venation. What is venation? Venation ka matlab hota hai arrangement of veins. Arrangement of वेंस है ना. हम लोगों ने वेंस देखा है. वेंस जो है नालियाँ, दो तरह की वेंस होती हैं. आप आगे जाके पढ़ोगे जाइलम और फ्लोएम. तो ये वेंस क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, पहुंचाना पानी और गजा को, वो आगे आप देखोगे. तो इन वेंस की जो अरेंजमेंट है वो आपको देखना है. तो ये वेनेशन दो तरह का, एक रेटिकुलेट वेनेशन और सेकेंड वन इज पैरेलल विनेशन. रेटिक्यूलेट विनेशन एंड दिस वन इज पैरेलल विनेशन. अब देखिए लीफ के अंदर है ना विनेशन किसमें, लीफ, क्योंकि वेंस जो है आपको लीफ में ही देखने को मिलेगी. रेटिकुलेट वेनेशन किसको कहते हैं, कि मेरे पास जो है ना एक पत्ती कुछ इस तरह से, ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ लीफ है ना. दिस वन इज मिड वेन एंड फ्रॉम द मिड वेन जो है सेकेंडरी वेन्स जो है दे आर अराइज्ड. अब ये जो सेकेंडरी वेन्स हैं ना, तो दीज आर सेकेंडरी वेन्स. All these veins जो है they are secondary veins, जो भी निकलेगी. अब ये secondary जो veins है they are forming a network, they are branched and forming a network like structure है ना, एक जाल जैसा जो है structure जो है बना रहे हैं, जाल जैसा. इस तरह से कि देयर इज अ मिड रिब, मिड वेन, एंड फ्रॉम द मिड वेन सेकेंडरी वेन्स जो है दे आर अराइज एंड सेकेंडरी वेन्स जो सेकेंडरी जो है वेन्स जो है दे आर ब्रांचड है ना, उनसे जो है शाखें दर शाखें निकल रही हैं. दे आर ब्रांचड एंड फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. तो इस तरह से जो वेनेशन का अरेंजमेंट है इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन है ना. सेकेंडरी वेन्स दे आर ब्रांच एंड फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक जो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सच venation is called reticulate venation. Yes, such arrangement of veins, such jo arrangement of veins they are called reticulate venation. Theek hai, you can see in people, jo people ki jo leaf hai uske andar aap jo hai reticulate venation dekh sakte ho na. Yani veins ka arrangement kaisa hoga, network like veins they are arranged in the network like. ठीक है. व्हाट इज पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन में क्या होगा कि वेंस जो होगी, वेंस दे आर वेरी सिंपल, दे आर पैरेलल, बराबर के कुछ इस तरह से. एक लीफ है, ये लीफ का पार्ट, तो इसमें जो है दीज वेंस दे आर पैरेलल, बराबर ये वेंस हैं, दीज आर वेंस. तो यहाँ पे दीज वेन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सच वेनेशन, सच अरेंजमेंट ऑफ वेन्स दे आर कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस एंड रीचेस टू द टॉप ऑफ द लीफ. तो ये कहाँ देख सकते हो आप, जो मेज की लीफ है, बराबर, फॉर एग्जांपल मेज है ना, मकई, उसकी जो है लीफ में आप दिस वेनेशन यू कैन सी.
सेकेंडरी वेंस, ठीक है, तो सेकेंडरी वेंस दे आर ब्रांच्ड, उनसे शाखें दर शाखें निकलती हैं, फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, सच वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। सो डू यू अंडरस्टैंड वेनेशन, इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेंस। वेंस आपको पता है मिड वेन होती है और सेकेंडरी वेंस। तो अगर वेंस जो हैं इस तरह से अरेंज हों कि एक नेटवर्क, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बने, तो वेंस का वो अरेंजमेंट रेटिकुलेट यानी जाल जैसा, बराबर, उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। अगर वेंस पैरेलल होगी तो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, यू कैन सी फॉर एग्जांपल इन मेज। सो वी विल स्टॉप हियर, इन द नेक्स्ट लेसन वी विल स्टडी अबाउट फ्लावर।